जय श्री राम। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगा में विसर्जित करना उत्तम माना गया है। ये अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती है, ऐसा कहा गया है। गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं, क्या आपको पता है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अवश्य सुने। पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा से श्री हरि विष्णु जी के चरण कमल से निकली है और भगवान शिव जी की जटाओं में आकर बसी हैं। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी पाप धुल जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक दिन माँ गंगा श्री हरि प्रभु से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, सबके पाप धुल जाते हैं, सभी के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन मैं इतने पापों का बोझ, इतने पापों का पूरे संसार के जगत के पापों का बोझ कैसे उठा पाऊंगी? मेरे अंदर जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त कर पाऊंगी? ये कैसे होगा? इस पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, गंगा जब साधु संत वैष्णव जन आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप घुल जाएंगे, सभी पाप मिट जाएंगे। माँ गंगा नदी ने इतने पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन ये अस्थियाँ जाती कहाँ हैं, क्या आपको पता है? कभी आपने सोचा है या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? तो इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा का जल एकदम पवित्र एवं पावन रहता है, एकदम साफ और शुद्ध रहता है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का कोई निवारण नहीं मिला, कोई हल नहीं मिला, कोई पार नहीं पा सका। सभी ने अपने अपनी शोध की, वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी शोध की, लेकिन इसका कोई उनको भी निवारण नहीं मिला। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थि को गंगा जी में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। ये अस्थियाँ सीधे श्री हरि विष्णु जी के चरणों में बैकुंठ जाती है। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा जी के समीप आता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक है ही। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक सल्फर विद्यमान होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी कि अस्थियां जो भी असंख्य की तादाद में प्रतिदिन माँ गंगा में विसर्जन किया जाता है, समस्त भारतवर्ष से भी समस्त हिंदू संस्कृति के लोग वहाँ पे अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो अस्थियां जाती कहाँ हैं, उनका क्या होता है, ये छोटी जानकारी है। वो सारी अस्थियां हैं पानी में ही घुल मिल जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो ढेरों की तादाद में रोज वहाँ अस्थियों का विसर्जन होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता। लेकिन प्रभु की लीला ऐसी है कि उन्होंने माँ गंगा को वरदान दिया है, उनके पानी में ऐसी कुदरती है, कुदरत है कि वो पानी के अंदर घुल जाती हैं, पानी के साथ ही घुल जाती हैं वो। और दूसरी नदियों में किसी में ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी नदियों के पानी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माँ गंगा के पानी में ही ये है। माँ गंगा के पानी में ही हड्डियों का घुलनशीलता है और हड्डियों का घुलना एक साइंटिफिक
रीजन से अलग है कि उसमें कुछ टेक्निकली कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग भी साइंसिस्टों ने इस पर शोध करके बताया कि उसके कारण से होती है। बाकी ये सिर्फ गंगा नदी के पानी में ही है ये चीज़, बाकी और कहीं नहीं है। ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, एक छोटे से पैरे से कमेंट के माध्यम से उसे बताएं। हर गंगे नमामि गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।